नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 8 नवंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। मिसेस टूरिज्म वर्ल्ड वाइड कॉन्टेस्ट का खिताब तारा ने किया अपने नाम। फिलीपींस में आयोजित 15 दिवसीय मिसेस टूरिज्म वर्ल्ड वाइड कॉन्टेस्ट का खिताब डॉक्टर तारा श्वेता आर्या ने अपने नाम कर लिया है। भारत के किसी प्रतिभागी ने यह सम्मान अपने नाम पहली दफा किया है। ज्ञात हो, फिलीपींस में आयोजित इस प्रतियोगिता में दर्जनों देश की सुंदरियों ने भाग लिया था, जिसमें बिहार की तारा ने सबको पछाड़ते हुए यह खिताब अपने नाम दर्ज किया है। भीड़ के कारण खड़े खड़े सफर करने पर मजबूर है यात्री। त्यौहार खत्म होने के बावजूद दिल्ली लौटने वाले यात्रियों की भीड़ कम नहीं हो रही है। पटना से दिल्ली जाने वाले नियमित ट्रेनों का हाल कुछ ऐसा है कि स्लीपर और जनरल डिब्बे में खड़े होने तक की जगह नहीं है। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन का किराया नियमित ट्रेन से दोगुना होने के कारण खाली ही रवाना हो रही है। हालांकि स्पेशल ट्रेन के अधिक किराया होने के बावजूद ट्रेन समय से दिल्ली नहीं पहुंच रही है, जिसके कारण स्पेशल ट्रेन में कन्फर्म बर्थ उपलब्ध नहीं होने के बावजूद भी यात्री जनरल टिकट लेकर नियमित ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। सीआईएससीई ने 10वीं के सिलेबस में किए बदलाव। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने मशहूर हिंदी लेखक कृष्णचंद्र की कहानी जामुन का पेड़ को 10वीं के सिलेबस से हटाने का फैसला किया है। आईसीएसई ने बोर्ड परीक्षा से पहले ही नोटिस जारी कर यह साफ कर दिया है कि अगले साल होने वाले बोर्ड की परीक्षाओं में इस कहानी से जुड़े सवाल नहीं पूछे जाएंगे। हालांकि नोटिस में यह साफ साफ नहीं बताया गया कि ऐसा क्यों किया गया है। मैथिली ठाकुर के गाने से मंत्रमुग्ध हो गया दरभंगा। मिथिला की बेटी और राइजिंग स्टार शो की उपविजेता मैथिली ठाकुर ने जिला प्रखंड अंतर्गत अहियारी उत्तरी पंचायत के धार्मिक तीर्थ स्थल अहिल्यास्थान में 10वें राजकीय महोत्सव के पहले दिन बुधवार को एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति की। मैथिली ठाकुर ने अपनी प्रस्तुति में मैथिली हिंदी गायिका की शानदार प्रस्तुति से श्रोताओं को झुमा डाला। उसने जुड़ावे लगली है सासू अपनी नयनमा जैसे परिच्छन से गाने की शुरुआत की। इसके अलावा छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाइके पर सभी श्रोताओं से खूब तालियां बटोरी। रेलवे ने कई ट्रेनों का परिचालन किया रद्द। रेल यात्रियों के लिए अहम सूचना। रेलवे ने 16 दिसंबर से 31 जनवरी तक 6 ट्रेनों को पूरी तरीके से रद्द करने का फैसला किया है। वहीं 19 जोड़ी ट्रेनों को सप्ताह में एक दिन रद्द करने का ऐलान किया है। रेलवे का यह फैसला आने वाले संभावित कोहरे के कहर और उससे होने वाली ट्रेनों के समय में फेरबदल को देखते हुए लिया गया है। बोधगया में आज से शुरू होगी चीवर दान पूजा। बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में आज से चीवर दान पूजा का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। पूजा में लगभग हजारों बौद्ध भिक्षुओं के सम्मिलित होने की संभावना जताई जा रही है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीलंका के संघ नायक महाथेरो लोंग होंगे। ज्ञात हो, यह पूजा आज शाम 4 बजे पदशिना के रूप में रॉयल थाई मंदिर में शुरू होगी। इसके बाद मेन मंदिर तक चीवर ले जाया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर डीएम ने दिए सख्त निर्देश। पटना में कार्तिक पूर्णिमा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसको लेकर डीएम कुमार रवि ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठकर संबंधित विभाग के अधिकारियों से सलाह मशवरा की है। डीएम कुमार रवि ने सभी अधिकारियों को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया है। 7,000 असिस्टेंट प्रोफेसरों की जल्द होगी बहाली। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति जल्द होने वाली है। सूबे में फिलहाल लगभग 7,000 असिस्टेंट प्रोफेसर खाली पद पर चल रहे हैं, जो कि दिसंबर तक इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि अगले साल मार्च महीने तक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। शिक्षा विभाग में बुधवार को राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अंतिम प्रारूप तैयार कर लिया गया है। आज से शुरू होगा पुस्तक मेला। किताबों के शौकीन के लिए आज से पुस्तक मेले का आगाज होने जा रहा है। सीआरडी की ओर से आयोजित पुस्तक मेले का उद्घाटन पटना के विभिन्न स्कूलों के प्राचार्य एक साथ करेंगे। 18 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में 1,00,000 वर्ग फीट में बने पुस्तक स्टॉल में देश के करीब 110 से ज्यादा प्रकाशक भी शिरकत करेंगे। आयोजित मेले में स्कूली बच्चों के आईडी कार्ड के साथ फ्री एंट्री मिलेगी। वहीं कॉलेज के छात्र छात्राओं को भी आइडेंटिटी कार्ड के साथ मुफ्त में एंट्री मिलेगी। वहीं आम लोगों को ₹10 का प्रवेश शुल्क देना होगा। आपको बता दें, पुस्तक मेला घूमने का समय सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक है। नवंबर से विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों को मिलेगा नया वेतनमान। बिहार के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को 7वां वेतनमान का लाभ इसी महीने से मिलेगा। शिक्षा विभाग ने एक सप्ताह के अंदर अंदर राशि का ब्यौरा उपलब्ध कराने का आदेश सभी विश्वविद्यालयों को दे दिया है, ताकि 20 नवंबर तक नए वेतनमान की पूरी राशि जारी कर दी जाए। आपको बता दें, शिक्षा विभाग के इस कदम से सभी विश्वविद्यालयों के करीब 8,000 शिक्षकों एवं 15,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। गुरु नानक देव की 7 दिवसीय जयंती की हो गई शुरुआत। सिख पंथ के प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती पर राजधानी के तख्त श्री हरि मंदिर में 7 दिवसीय समारोह का शुभारंभ हो चुका है। आयोजन के तहत पहले दिन बुधवार की सुबह 5 बजे तख्त साहिब परिसर से प्रभात फेरी निकाली गई थी। यह प्रभात फेरी गोविंद घाट से झाऊगंज गली होते हुए अशोक राजपथ, कचौड़ी गली, दीरा रोड होते हुए काली स्थान बाल लीला गुरुद्वारा पहुंची। वहीं दूसरे दिन गुरुवार को दानापुर हांडी साहब की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई है। इस साल विवाह के लिए महज 17 मुहूर्त ही है शुभ।
चार महीने के बाद देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागेंगे। मान्यता है कि उनके जागते ही सारे शुभ काम भी शुरू हो जाते हैं। इस साल देवोत्थान एकादशी आज से शुरू है, मगर ग्रहों के राशि परिवर्तित के चलते इस बार विवाह के मुहूर्त 19 नवंबर से शुरू होंगे। रामदयालु स्थित मां मनोकामना देवी मंदिर के पुजारी पंडित रमेश मिश्र बताते हैं कि देवों के उठते ही शादी विवाह के शुभ मुहूर्त शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। कारण कुंडली मिलान के बाद भाव व भावेश की स्थिति व ग्रहों की दशा के साथ शादी के शुभ मुहूर्त को तय किया जाता है। गुरु नानक देव की 550वीं जयंती में सम्मिलित होने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने अमृतसर पहुंचे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई अधिकारी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने अमृतसर पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरु नानक देव की जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महाराणा प्रताप की स्मृति में आयोजित समारोह का उद्घाटन करेंगे सीएम नीतीश। मेवाड़ के वीर राजपूत शासक महाराणा प्रताप की स्मृति में अगले साल जनवरी में आयोजित समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे, इसकी जानकारी संजय सिंह ने दी। उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगले साल 19 जनवरी को राष्ट्रीय स्वाभिमान समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। महाराणा प्रताप सिंह एक राष्ट्रीय नायक थे। जहानाबाद जाने वाले लोग इन पर्यटन स्थलों पर जरूर भ्रमण करने जाएं। जहानाबाद जाने वाले लोग इन मशहूर स्थलों पर भ्रमण करना ना भूलें। बराबर की गुफाएं, हजरत बीवी कमाल साहिबा का मंदिर और कौवा डोर जरूर घूमने जाएं। पटना से जहानाबाद जाने के लिए ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 1 घंटे का सफर करना होगा, वहीं खुद की गाड़ी से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 2 घंटे का सफर करना होगा। पटना से जहानाबाद बाय रोड की दूरी SH1 से 60.5 किलोमीटर है। अपने मंत्रियों द्वारा सरकार पर सवाल उठाने वालों से मुख्यमंत्री नीतीश करेंगे बात। अपने ही मंत्रियों द्वारा सरकार के लिए गए फैसलों पर उठाए गए सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करारा जवाब दिया है। जदयू के मंत्री महेश्वर हजारी के मीडिया को दिए गए बयान के बारे में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानकारी मिली तो समस्तीपुर में सार्वजनिक सभा में उन्होंने कहा कि उनसे तो मैं ठीक से बात करूंगा, मैं अपने मंत्रियों से खुद ही पूछूंगा कि उन्होंने कब क्या बयान दिया है। बिहार सरकार जल्द डीजल ऑटो को बदलेगी CNG में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत वह डीजल से चलने वाले ऑटो पर रोक लगाई जाएगी, वहीं प्रतिबंधित वाहनों के स्थान पर CNG चालित वाहनों का बढ़ावा देगा। साथ ही साथ डीजल पेट्रोल से चलने वाले ऑटो को CNG में कन्वर्ट कराने वाले वाहन चालकों को सब्सिडी देगी, वहीं इसी के साथ ही इन जगहों पर इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी से चलने वाले वाहनों को भी प्रोत्साहित करेगी। स्मृति मंधाना ने तोड़ा सौरभ गांगुली और विराट कोहली का रिकॉर्ड। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनिंग बैट्समैन स्मृति मंधाना ने वनडे में सबसे तेज 2000 रन अपने नाम करने वाली तीसरी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। 23 साल की मंधाना ने महज 51 पारियों में अपने 2000 रन पूरे किए। ज्ञात हो, भारत की तरफ से सबसे तेज 2000 वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड शिखर धवन के नाम है। इस मामले में स्मृति मंधाना ने भारतीय कप्तान विराट कोहली और सौरभ गांगुली से भी आगे निकल गई हैं। मीठापुर बस स्टैंड की भूमि पर बनेगा PPU का भवन। बिहार सरकार ने मीठापुर बस स्टैंड वाली जमीन पर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की बिल्डिंग बनाने का निर्णय लिया है। ज्ञात हो, मीठापुर बस स्टैंड को लगभग 8 एकड़ की जमीन आवंटित की गई थी। आवंटित जमीन पर अब विश्वविद्यालय भवन बनाने का सोच विचार किया जा रहा है, लेकिन इस पूरे प्रक्रिया पर तब तक बाधाएं आती रहेंगी जब तक मीठापुर बस स्टैंड के लिए किसी नए जगह की खोज नहीं की जाती। झारखंड में अपने दम पर मैदान में उतरेंगे जीतनराम मांझी। मांझी ने कहा है कि झारखंड की जनता की मांग है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा झारखंड में अकेले चुनाव लड़े। हमारी पार्टी इस मुद्दे पर विचार विमर्श कर रही है, साथ ही इस वक्त हमारी पार्टी चुनाव लड़ने की स्थिति में है। महागठबंधन का दायरा सिर्फ बिहार तक ही सीमित है। झारखंड में हम अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगे, फिर चाहे चुनाव एक सीट पर हो या फिर 25 सीटों के लिए। पंकज त्रिपाठी के गांव में हुआ बेलसन महोत्सव का आयोजन। पंकज त्रिपाठी के पैतृक स्थान बेलसन में बेलसन महोत्सव का आयोजन किया गया था। आयोजित कार्यक्रम में भोजपुरी अभिनेता और गायक अजीत आनंद, गायिका सह जिला पार्षद सदस्य पुष्पा सिंह, गायिका राजनंदिनी, मंदेश वर्मा सहित अन्य कलाकार मौजूद रहे। महोत्सव के संयोजक मदेश तिवारी ने बताया कि छठ के बाद गांव में 30 वर्षों से ड्रामा होता है, जहां पंकज त्रिपाठी बचपन से ही अपना ड्रामा प्रस्तुत करते थे। यहां के बाद वो ड्रामा स्कूल में भाग लेने के लिए चले गए। नीतीश कुमार की यात्रा पर विपक्ष उठा रहा सवाल। जहां एक ओर जदयू चुनाव से पहले विभिन्न यात्राओं पर जाकर लोगों से संवाद बनाने में जुटी है, तो वहीं विपक्षी दल नीतीश कुमार की इन यात्राओं पर सवाल भी उठा रहा है। जहां एक ओर जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने यह कहा है कि सत्ता में आने के बाद निरंतर नीतीश कुमार जनता के साथ संवाद बनाए रखने के लिए यात्रा करते हैं, तो वहीं विपक्षी दल के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि सरकारी पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। चुनाव आने से पहले नीतीश कुमार कोई न कोई मुद्दा लेकर अपनी पार्टी का प्रचार सरकारी तंत्र और सरकारी पैसे पर करते हैं।
अभिनेता अमिताभ बच्चन के इंडस्ट्री में 50 साल हुए पूरे। बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन कई दशकों से अपने दर्शकों के लिए एक से एक फिल्म पेश करते आ रहे हैं, जिसके साथ ही बिग बी के नाम से कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं। इसी मौके पर उनके बेटे अभिषेक बच्चन ने एक भावुक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सिर्फ बेटे के तौर पर ही नहीं, लेकिन एक एक्टर और एक फैन के नाते हम सभी महानता देखने के लिए ब्लेस्ड हैं। बहुत कुछ सराहने के लिए, सीखने के लिए और बढ़ावा देने के लिए कई सारी जनरेशन कह सकती है कि हम बच्चन के एरा में रह रहे हैं। पा, आपको 50 साल पूरा करने के लिए बधाई हो। अब हमें इंतजार है अगले 50 सालों का। अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। मुंगेर, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहेंगे। वहीं मुजफ्फरपुर, आरा, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, जहानाबाद में भी दिन में हल्की धुंध और हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। भाजपा एमएलसी ने की हम प्रमुख जीतन राम मांझी से मुलाकात। दो विपक्षी नेताओं के मेलमिलाप से एक बार फिर राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं के बाजार गर्म हो गए हैं। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टियां पहले से ही दो अहम हिस्से में बढ़ चुकी हैं। ऐसे में भाजपा के एमएलसी संजय पासवान ने हम पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से मुलाकात की खबरें हवा की तरह फैल रही है। मुलाकात के बाद संजय पासवान ने जीतन राम मांझी की जमकर तारीफ भी की। हालांकि अभी दोनों नेताओं ने इस मुलाकात को गैर राजनीतिक करार दिया है। क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए यूट्यूब चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जिसका यूट्यूब लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।